राजस्थान के दिग्गजों में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लोकसभा चुनाव के बाद भी लगातार जारी है, लेकिन अब बात आरोप प्रत्यारोप लगाने तक सीमित नहीं रही। अब नेता एक दूसरे को खुली बहस की चुनौती भी देने लगे हैं। राजस्थान के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने राजस्थान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को बड़ी चुनौती दी है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल शुक्रवार की शाम को हीरालाल टोक पहुंचे और टोक के कृषि मंडी प्रांगण में 30 जून को होने वाली मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सभा स्थल की तैयारियों का जायजा लिया। वहां मौजूद अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए। इसी दौरान मीडिया से बात करते हुए नागर बोले कि पिछले 6 महीने में हमारी सरकार ने धरातल पर काम किया है, जबकि पिछली सरकार ने व्यवस्था को गर्त में ले जाने का काम किया। वहीं गोविंद सिंह डोटासरा पर जुबानी हमला करते हुए नागर ने डोटासरा को खुले मंच पर आकर बहस करने की चुनौती दी। सुनिए हीरालाल नागर ने क्या कुछ कहा। देखिए, मीडिया की खबरें हैं, कोई आमने सामने नहीं हुआ है। हमारे मंत्री आपस में समन्वय है, संवाद है, और हमारी निश्चित रूप से मंत्रिमंडल में पूरा समन्वय के साथ चल रहा है। मीडिया की खबरों को है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। चलो, पूरी तरह से फेल। आप राजी को ला करके मेरे से बहस करा लो कि उन्होंने पानी में क्या किया। 5 साल 20,000 करोड़ का जो केंद्र ने यहाँ जल जीवन मिशन के माध्यम से जो राशि दी थी, उसको उन्होंने भ्रष्टाचार करके और जनता को गुमराह करने का काम किया है। बिजली की वो बात करते हैं, बिजली के मामले में उन्होंने 5 साल में कोई काम नहीं किया। हमने हमारे पहले कार्यक्रम में 3 महीने के अंदर अंदर राजस्थान में 225,000 करोड़ के काम को पाइपलाइन में डाला है। केंद्रीय हमारे उपक्रम हैं, उनके साथ MOU किए हैं, और हमने 60,000 करोड़ का टेंडर निकाला है। राजस्थान को 32,000 मेगावाट की जो हमारे सोलर हो, थर्मल हो, विंड हो, ये सब योजनाएं दे करके हम अगले आने वाले 15 से 20 साल तक योजना बना रहे हैं। ये पहली सरकार है, उन्होंने केवल इस विद्युत विभाग को पिछले 5 सालों में 139,00,000 करोड़ का घाटा पहुंचाने का काम किया है। ये भ्रष्टाचार किया है इन्होंने। मैंने 6 महीने में तैयारी की। मैंने आपको नहीं कहा कि अभी कि हम 32,000 मेगावाट का उत्पादन करेंगे, उसके लिए हमने MOU कर लिए हैं। हमारा MOU धरातल पर उतरेगा। मैं आज ही जयपुर से आया हूँ, हमारे ऊर्जा मंत्री से दिल्ली से आया हूँ, वहाँ मिला हूँ, और हमारे कोल मंत्री से मिला हूँ। हमारी ऊर्जा के क्षेत्र में इस 5 साल में जो काम होगा पूरे देश में, अगर रिकॉर्ड बनेगा एक कि अगर सबसे ज्यादा काम हुआ है तो राजस्थान में इन 5 सालों में होगा भजन लाल जी के नेतृत्व में। वहीं हीरालाल नागर ने आगामी उपचुनाव को लेकर प्रदेश की 5 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनावों में भाजपा प्रत्याशियों की जीत का दावा किया और बोले कि हालांकि सभी सीटें कांग्रेस विधायकों, RLP और बाप विधायकों की है, लेकिन जीत हमारी होगी। ऐसे तमाम और खबरों के लिए देखते रहिए द नगरी न्यूज। शुक्रिया।